ऐसा शख्स जिसने सलमान को दबंग बनाया, शाहरुख को रावण का आइडिया बताया, आमिर को थ्री इडियट्स में काम दिलवाया। प्लीज वेलकम बॉलीवुड में हिट और सुपर हिट का दूसरा नाम मंत्रा विद विशाखा एज प्रोड्यूसर। क्या अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, अदना भाई पहचाना? अरे प्रोड्यूसर नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा भाई? कौन पिक्चर बनाता कौन है आजकल? प्रोड्यूसर लोग तो केवल पैसा डालते हैं, लेकिन माल मटेरियल कौन डालता है? अपन सेटअप वाले लोग, असलम सेटअप है कि नहीं? अरे जो भी चाहिए तुम्हें, लोकेशन से लेकर मेडिकल पाउच तक, कास्टिंग से लेकर उसके काउच तक, बहुत अरे बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का सेटअप बनाया भाई। अभी अपने गोलू की पिक्चर चल रही है, गोलू तुम लोग जानते हो गोलू को? क्या नाम से यार तुम्हारा? रोहित शेट्टी यार। गोलू अपना यार, गोलमाल वाला, बचपन से उसको लुंगी पहनना सिखाया मैं यार। उसको मैं बोला, मैंने बोला सुन गोलू मेरी बात सुन ले, गांठ बांध ले, मैं एक्सपीरियंस है मेरे पास में, ये तूने अभिषेक और अजय को ले लिया है, ओवर बजट हो गई पिक्चर है ना, इसलिए अब तू कुछ ऐसे एक्टरों को ले ताकि बैलेंस हो जाए। तब जाके उन्होंने कृष्णा और वीआईपी को लिया है यार। भाई क्या बात कर रहे हो, थैंक यू मस्त है माशाल्लाह। लेकिन कृष्णा का काम मैं बता रहा हूँ सोहेल भाई, बेहतरीन। मैं खुद सेट पे गया था देखने के लिए, मजेदार, मतलब ऐसा स्पॉट बॉय मैंने आज तक नहीं देखा दूसरा कहीं पे। लेकिन चाय वाय नहीं बनाता वो, चाय वाय नहीं बनाता वो, मतलब वीआईपी रखा है उसके लिए अपन। ले यार इसके भाई गोलू ने बताया नहीं अर्चना को रखा यार पिक्चर में यार, बेहतरीन। मतलब एक दिन शॉट पे इनका शॉट नहीं था है ना, लेकिन शॉट ये था ऊंट के ऊपर हीरो भाग रहा है, ऊंट की तबीयत खराब हो गई। नहीं तुमको लग रहा होगा कि वो उन्होंने अपनी पीठ पे हीरो को बैठा, नहीं इनने पीठ पे ऊंट को बिठाया, उसके ऊपर हीरो बैठा। मतलब भाई मैं तुमको क्या बताऊं उसके, एक सेकेंड यार ये बहुत लोग परेशान करते हैं यहाँ से। हाँ हाँ मोटा भाई सुधीर, हाँ बोलो। हाँ मेरी बात हो गई उससे? हाँ लेकिन मैं क्या जल्दी बात करूं, फोन में बैलेंस नहीं है। अरे तू 2 रुपए का बैलेंस नहीं भरवा रहा है, तेरे को पिक्चर बनानी है? फोन रखो यार। ये विपुल शाह भी ना अलग अलग टाइम पे फोन लगा देते हैं मेरे को उठा के यार। 2 रुपए का बैलेंस नहीं है। मैं क्या बोलूं अंटा है आपको, मतलब वो मेरे पास आए 4 साल पहले, उन्होंने बोला असलम भाई ये कॉमेडी सर्कस नाम का शो चालू कर रहा हूँ, ये 20 चेक रखे अपने हिसाब से देख लो, सेटअप लगा दो। मैंने बोला विपुल एक बात सिखा रहे ना मैं, इसको भी गांठ बांध ले, कभी भी एक्टर के सामने चेक नहीं रखने का, चेक रोक के रखो एक्टर रुक का रहेगा हमेशा। उनने मेरी बात ऐसे गौर से सुनी, मेरे को आज तक चेक नहीं मिला उसकी ऐसी की तैसी यार। और जब भी कॉमेडी सर्कस के सेट के आसपास से निकलता हूँ ऐसी हिचकी आती, इतनी गालियां भगते हैं सारे के सारे एक्टर की, इसी ने सिखाया था, इसके चक्कर में गड़बड़ हुई। आप वही हो जो फिल्मों के सेटअप बनाते हो? मैडम बच्चन से लेकर चंकी तक, गोरिल्ला से लेकर मंकी तक, असलम भाई के सेट पे सब मिलता है। बोलो तुम कौन, आपकी तारीफ? मैं एक नई नवेली प्रोड्यूसर हूँ, मायसेल्फ नैंसी। नैंसी देखो बुरा मत मानना, वैसे तुम नैंसी कम प्रेगनेंसी ज्यादा लग रही हो जी? सुनो काम क्या है, काम बताओ। तो देखो मुझे ना एक अच्छा सा हीरो दे दो, हीरो हीरो। बजट कैसा है? बजट अच्छा है अपना, अच्छा है तो अच्छा। मैं राजू से बात करता, अच्छा वाला आपका निकलता। राजू कौन, चाय वाला? अरे राजू तुम लोग क्या बोलते हैं राजू को यार, राजीव भाटिया, अक्षय कुमार यार। ओहो अरे तुम लोगों के लिए होएगा यार। उसको बैंकॉक कौन भेजा? कौन? मेरे को क्या मालूम कौन भेजा, लेकिन भेजा तो सही ना। अरे जाने से पहले घर आया था, कंधे पे हाथ रख के बोला भाई जा रेला है, जब वापस आओ मेरे 125 रुपए लौटा देना, वरना कराटे सीख के आया बहुत मारूंगा। नहीं नहीं लेकिन सर मैंने तो सुना है वो बहुत बिजी है। अरे काहे का बिजी, अभी पिछले हफ्ते उसको SMS किया था, मेरे दोस्त के बच्चे के मुंडन पे आ गए, मास्टर शेफ छोड़ के आया मेरी बात पे। हाँ फ्री है वो यार, फ्री तू बोल तो सही, बात करूं? नहीं नहीं इतना फ्री नहीं जो फ्रीली अवेलेबल हो जाए। कुछ अच्छा सा देखो, आप हिमेश से बात करो, हिमेश बब्बू। बब्बू अरे उसको पहली टोपी कौन पहनाया? कौन? लेकिन देख मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, हाँ। मैं तेरा भी बुरा नहीं चाहता, पहली फिल्म मैंने तेरी, हाँ। तो काय को आत्महत्या करना चाहती है? मेरी हिमेश से अभी कल ही मैंने फोन लगाया था, उसको घर पे लैंडलाइन पे फोन लगाया, हाँ। वो किसी और ने फोन उठाया, बोले हिमेश जी है नहीं, वो चले गए। मैंने बोला क्या हुआ? बोले अपनी खुद की फिल्म देखने गए थे दमादम 12 से 3, 3:30 बजे घर आए, प्रोड्यूसर को फोन लगाया कि बोले मैं तो बेवकूफ हूँ, तू भी पागल हो गया था क्या? उसके बाद मैं निकल लिया, एड्रेस छोड़ा मेरे लिए हिमालय का, वापस आएंगे तब देख लेंगे। अच्छा मैंने कुछ उसका रिकॉर्ड कुछ बनाया उन्होंने? अरे हिमेश का रिकॉर्ड क्या है, उसका पिक्चर का रिकॉर्ड है कि वो इकलौता एक्टर है जिसकी पिक्चर की पायरेटेड सीडी नहीं निकली मार्केट में। क्या बात कर रहे हो, तो कोई ओरिजिनल नहीं देखेगा तो पायरेटेड का क्या सवाल पैदा होता है? देखो एक्ट्रेस कोई अच्छी सी एक्ट्रेस दिला दो बस यार। एक्ट्रेस तो एक ही है जो अपने दिल के करीब है यार बाबा। हैं कौन कौन? मंटा उसको पिक्चर में ले रही थी, पिक्चर हिट। कौन? ये सामने बैठी है, मेरी बात तो मान, हिट है बाबा।
एक मिनट, ये एक्ट्रेस है? अरे कैसी बात कर रही, तेरे को क्या लग रहा पिछले 4 साल से वो सचमुच में हंस रही है? पागल। थैंक यू। hey, सुन, वो अभी टेप की आवाज आएगी हंसने की, फिर देखना लिपसिंग कितना अच्छा करती है वो, उसको कहते हैं एक्टिंग। ये देख, हा, 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 वो देख आवाज बैठ रही है। क्या बात है, लेकिन देखिए देखो, मुझे कि ऐसी फ्लॉप फिल्म नहीं बनानी है, मुझे बस हिट हिट फिल्म बनानी है, कोई अच्छा सा फॉर्मूला दे दो मंत्रा। देखते तू ऐसा कर, तू बस पैसा डाल, पिक्चर की पूरी कास्टिंग में करता हूँ। क्या बात कर, डायरेक्शन भाई से कराएंगे अपन, सोहेल भाई हिट डायरेक्टर, सुपर हिट डायरेक्टर। सोहेल भाई मेरे लिए काम करेंगे, वो बचपन से जानते नहीं, घर पे कुत्ता उनके बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, फिर आप बात कर लेना उनसे फोन से। मैं बात करता देखता हूँ। लेकिन हीरोइन हीरोइन तो बाबा, अगर तुम अपने से पूछेगा ना तो एक पे अपना दिल आला है। कौन? ये मेरे पीछे जो बैठी है रे बाबा। इसके मैं तेरे को बोलता हूँ 3 फायदे। रोशनी, एक तो सुपर टैलेंटेड है, एकदम माल लगती है, एकदम बेहतरीन लगती है। हाँ। दूसरा कॉस्ट्यूम पे ज्यादा खर्चा नहीं, 3-4 रुमाल में पूरी फिल्म निकल जाएगी। क्या बात कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये केवल एक ही हीरो के साथ काम करती है। हाँ, कौन? कौन कौन? अबे मैं क्या यार ट्रैफिक निकालने के लिए खड़ा हूँ, पागल? 6 साल हो गए ओशिवारा के श्रीजी से लेके संक्रमण के स्टूडियो तक, इतने चक्कर काटे हैं, आंखों के सामने सबको हीरो बनते देख लिया, आज मौका मिला है, प्रोड्यूसर मिली है, हीरोइन मिली है, चांस लगवा दो, फिल्म हिट करा दूंगा बोलता हूँ। अच्छा, लेकिन क्या तुम दोनों को लेके फिल्म हिट हो सकती है? देखो यार, ये तो फिल्म क्रिटिक्स पे डिपेंड करता है, और फिल्म होगी या नहीं भी होगी ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। चलो 60 की स्पीड से गाड़ी चली है, लेकिन रास्ता तो पहुंच गई, बताओ घंटा है लेकिन बहुत हमें सिर्फ हंसना पड़ता है, लेकिन वॉचिंग यू गाइज इज अ कॉन्स्टेंट स्माइल ऑन योर फेस, एंड फ्रॉम दैट स्माइल इट टर्न्स इनटू अ लाफ्टर एंड गोज बैक इनटू अ स्माइल, व्हिच इज श्योर टैलेंट फ्रॉम यू गाइज। या सुहेल, स्कोर्स प्लीज। श्योर टैलेंट। 9 points अर्चना जी इज फॉर यू। थैंक यू। 9 points Welcome Rajiv as spot boy and Suganda as hairdresser. Sohail bhai, अगर आपको आपकी फिल्म के लिए कॉमेडियन चाहिए तो प्लीज उधर, अगर हीरो चाहिए तो फिर आप सलमान खान को ले लीजिए, क्योंकि भाई अपना ये काम ही नहीं है, अपना मेन काम है ये छोटे मोटे काम मैं करता ही नहीं हूँ, मेन काम करता हूँ अपना, बस अपना काम करो। चाय 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 दादा, चाय नहीं मैं पी के आया हूँ, बाद में देना। अबे कमीने, मांग रही हूँ। अच्छा, हम नंबर मांगते हो देते हो? अच्छा, अपनी मेहनत से चाय बनाओ। हाँ जी, कौन कहता है हमारा प्रोड्यूसर लोगों का ध्यान नहीं रखता, कंजूस है ये, देखो पूरी ऑडियंस के लिए चाय भेजी है एक ही कप में, पियो सालो, ऐश करो, ऐश करो हमारे प्रोड्यूसर के राज में। आज ड्यूटी मेरी लगी हुई है सोहेल भाई पे, ठीक है ना, उनके लिए चाय लेके घूम रहा हूँ, पर मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, बड़ी प्रॉब्लम है, मिलते हैं नहीं है, बाद में मेरा गुस्सा जाके बेचारे ठाकुर पे निकालेंगे, हर बार ऐसा ही करते हैं। लेकिन खैर, एक बात बताऊँ मैं, डर तो ऐसे रही जैसे सिद्धार्थ यादव आ गया। मैं ढूंढ उनको रहा हूं, लेकिन बहाना मेरा कोई और ही है, मेरी ना सेटिंग है अर्चना पूरन सिंह की, जो मेकअप आर्टिस्ट है ना उनके साथ, वो मिल जाए बाकी तो काम चलता ही रहता है, करते ही रहते हैं काम वाम। अच्छा। आ
कहते हैं उनकी नकल मत करो, उन्हें नंबर काट लेने हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरा स्टाइल है, वो मेरी नकल करती है। आज के बाद तूने ये आवाज निकालनी नहीं। हाँ, तेरी नकल करके वो कहां से कहां पहुंच गई। और तू यहाँ पे बैठ के कूचियां मार रही है। एक बात बता, ये अमेरिका शिफ्ट हो रही है, इतना सामान लेके जा रही है? अरे नहीं यार, ये तो मेकअप किट है अर्चना की। ये क्या है? कंगी है, कंगी। कंगी है? हाँ। ये दुनिया की पहली कंगी होगी जिसमें जुए नहीं सीधी भैंसे फंसती होंगी। ये क्या है? अबे ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक। ओह माय गॉड। इसको ना तोप में डाल के अगर फेंक देना तो युगांडा तबाह हो सकता है इससे, पता। और ये अंदर लैपटॉप रखा तूने? ओफो, ये लैपटॉप नहीं है। हाँ? ये ब्लशर किट है। अच्छा, इसका फायदा बहुत है। अर्चना जी इससे ब्लशर कर लेती है, उधर परमीत आके जाले उतार लेता इसे। ये कूची लेके किधर घूम रही है तू? अबे कूची नहीं है ये, मैडम का टचअप करना है ना उसके लिए। तेरे मैंने थप्पड़ मारना है, हमें बदनाम मत किया कर आर्टिस्ट को। इससे मेकअप होता है? उनके मेकअप के लिए पहले दो ड्रम आते हैं, उनके मुंह पे डाले जाते हैं, फिर वो सैंपल पास करती हैं, उसके बाद माल आता है। अच्छा? और वैसे भी टचअप के लिए हमने जिमी जी रखी हुई है ना, वो आके करके जाती है इनका टचअप। ये क्या रखा हुआ तूने? एक बात बता, इतना हंसती है मैडम यहाँ पर, वैसे बाहर कैसी हैं? अरे मेरी मैडम बहुत अच्छी है, एकदम मस्त। ऐसे लोग बोलते रहते हैं बहुत खाती है, बहुत खाती है, बहुत कम खाती है। अरे कल तो इतनी भूख लगी थी, सामने दो हेयर बैंड पड़े थे, एक ही खाया। इतनी अच्छी है, जैसे ही शॉट ओवर होता है ना, वैनिटी में जाती है, अपनी विग उतार के अपने आप साइड पे, अपने दांत निकाल के अपने आप साइड पे। क्या बात करी, सुहेल जी भी दांत निकाल के अपने आप साइड पे रखते हैं? हैं? सुहेल जी? हाँ? वो भी नकली दांत लगाते हैं? नहीं नहीं, वो ठाकुर के तोड़ के साइड पे रखते हैं। ये बता, घर में कैसे? घर में जैसे यहाँ वैसे वहाँ। कल तो टीवी पे शोले फिल्म देख के उस पे कमेंट कर रहे थे। कहते पापा ये क्या आपका ठाकुर है, इसमें इतना एटीट्यूड है, सारी फिल्म में धर्मेंद्र अमिताभ के साथ हाथ नहीं मिलाया इसने। लेकिन एक बात बताओ, बड़े परंपरावादी हैं। परंपरा? हाँ। वो कैसे? देख, इनके पिताजी भी ठाकुर की इज्जत किया करते थे। हाँ। अब तो इन्होंने भी ठाकुर की इज्जत करनी शुरू कर दी है। वो बड़ा शुक्र है भगवान का, हाथ कटने से पहले शुरू कर दी इन्होंने। छोड़ो ना ये बातें, हमें दूसरों की बातें करनी ही नहीं है। हाँ। वैसे भी सोहेल जी ने कौन सा हमें स्टैंडिंग ओवेशन दे दे रहा है। अपनी बात करते हैं ना। अच्छा एक बात बता, ये तो 15 दिन बीच में गायब हो गई थी, कहाँ चली गई थी? अरे वही यार, मैडम के साथ शूटिंग। वही जयपुर में सेट लगा था, रोहित शेट्टी की फिल्म जिसमें कृष्णा भी है, जिसमें कृष्णा ने बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं की है। सही बात है, सही बात है ना? और उसका हीरो ठाकुर है। हैं? ठाकुर? तो अपना एक्टर, अपने एक्टर में भी अपनी तारीफ ना करें। क्यों भाई दूसरों को मशहूर करें? और मैंने सुना वहां जाके मैडम ने बहुत बवाल मचाया था, सुबह सुबह उनको दूध के साथ खाने के लिए केले नहीं मिले, गुस्से में आके जयपुर के किले छीन के खा गए। और उसको भी कमेंट कर दिया, इसमें आयरन की कमी है, सीमेंट ही सीमेंट आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। यही हुआ था ना? ये क्या है? उन्होंने कहा था चलते एक्ट में एंजॉय करते रहा करो। और क्या है? उनको क्या? हाँ। देखना वो जो तारीफ भी करती हैं, कितनी बार उनको समझाया है कि देखो सब आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, जब देखो एक ही आर्टिस्ट की तारीफ, एक ही आर्टिस्ट की तारीफ, जब देखो ठाकुर 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 अपना एक्ट है। Yes, क्यों दूसरों की तारीफ करेंगे? अपनी तारीफ करेंगे ना हम लोग? बिल्कुल, और बात भी अपने करेंगे। 3 महीने हो गए मैं यहाँ पर आए हुए। बिल्कुल। और इन 3 महीनों में ये बताओ कि इन कॉमेडी सर्कस में तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? सच्ची बताऊँ तो मुझे सिद्धार्थ यादव। बिल्कुल अपने जैसा है, दुनिया का पहला एक्टर है जो एक्टर की जगह पे ना मुझे स्पॉट बॉय की फीलिंग देता है। कभी कभी दिल करता है इसी से चाय मांग लूं, फिर सोचता हूँ पता नहीं इसने हाथ धोए हैं कि नहीं। जो बंदा मुंह नहीं धोता हाथ कहाँ धोता होगा। सही है, पर एक बात, लहरी बहुत सुपर काम करता है। पर मेरी मैडम को तो कृष्णा पसंद है। मैडम को क्या पता, वो तो जज है। हमसे पूछ जिन्हें पैसे देके वो झूठी तारीफ कराता है। लेकिन एक बात बताऊं, अर्चना जी को छोड़ो, परमीर जी को सुदेश पसंद है, मुझे पता है। अरे परमीर जी की बात छोड़ो, उनको तो अर्चना जी भी पसंद है। मैंने कहा ना इधर उधर की बातें करनी नहीं है, हमें बात करनी नहीं है, छोड़ो यार कोई बात नहीं। करनी भी कहां से, अब आगे लिखी नहीं है, जितनी लिखी उतनी हो गई है। एक बात बोलूं, अब माल तो है नहीं, तुम अपनी मैडम को ढूंढ, मैं अपने सर को ढूंढता हूँ। मैडम। सर, ये तो सर पे ही बैठे हुए हैं। सर, हमने आपकी पीठ पीछे तारीफें की, आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे बुरा क्यों लगेगा, वो हमारे मुंह पे इतनी बेइज्जती करते हैं, हम पीठ पीछे तारीफ नहीं कर सकते यार। करो मुंह पे तारीफ।
थैंक यू। चलिए अर्चना, इस स्पॉट दादा और हेडरसर के बारे में आप क्या कहेंगी? नॉर्मली कॉमेडी सर्कस में द परफॉर्मेंसेज आर ऑलवेज वेरी गुड, एंड अगर कमी रहती है तो वो स्क्रिप्ट्स में, लेकिन आई डोंट मीन टू से दैट द राइटर्स आर बैड, राइटर्स आर फार फ्रॉम बैड। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, हर हफ्ते 7 जोड़ियाँ 8 जोड़ियाँ हैं, वो एक बार सैटरडे को परफॉर्म करती हैं, फिर संडे को, तो 16, 17 या 18-20 एक्ट्स लिखना हर हफ्ते इज़ अ मिरेकल बाय इटसेल्फ। राजीव, आप एक और मिरेकल हो, क्योंकि आप इतने सीजन से इस शो में काम कर रहे हो। कभी इस पर मत जाइए कि आपको 8 या 7 या 6 या 10 या 9 वो मिला है, वो एक्चुअली आपके टैलेंट का मेजर नहीं है। आपका टैलेंट दिखता है हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारी ऑडियंस को, इसलिए आपको हम हर बार यहाँ पर लाते हैं। दैट इज आवर ट्रिब्यूट टू यू। सुहेल, आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? मैं यहाँ काफी दिनों से हूँ, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ ग्रेट यूज ऑफ प्रॉप्स। राजीव, आई डोंट नो, मैं पिछले सीजन में नहीं था, बट आई थिंक वेलकम बैक। दैट्स व्हाट आई कैन से। थैंक यू वेरी मच। सुहेल जी, आप ही पहले बता दीजिए कितने नंबर मिलने वाले हैं इन्हें। मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ, बिकॉज मेरे दिल से मैं सोचता हूँ क्या आप दोनों ने जो ट्रैक पकड़ा है, प्लीज डू दैट। थैंक यू अर्चना। राजीव, दिस वन एक्स्ट्रा मार्क is for you. Thank you. हमारा सिर्फ एक ही पेशा है, आपको हंसाना, और इस पेशे को हम पूरे पैशन के साथ निभाते रहेंगे, आपको ऐसे ही नॉनस्टॉप हंसाते रहेंगे। Only on Kohinoor the True Basmati presents Comedy Circus का नया दौर, तबला तोड़। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.